रिपोर्टर, हमारा नाम ब्रजेश कुमार चौधरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं द्रवंती घोष आप सबका फैक्ट प्रेसेंडो के फैक्ट फाइल्स में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये घटना मूल तौर पर उत्तर प्रदेश के गौर पुलिस स्टेशन का है, जहाँ पे पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर वाहन के मालिक को ही पीटते व घसीट कर पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाते हुए देखा जा सकता है। हमारे फैक्ट चेकिंग टीम ने इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की। पड़ताल के शुरुआत में ही हमें YouTube पर यह वीडियो 2 साल पहले ही उपलब्ध मिला। इससे हम ये कह सकते हैं कि यह घटना ऑलरेडी 2 साल पुराना है। इसके पश्चात हमें बस्ती के SP से संपर्क किया, जिन्होंने हमें बताया कि ये वीडियो वाकई 2 साल पुराना है, साथ ही ये घटना वाहन चेकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। मूल तौर पर वीडियो में दर्शाया गया व्यक्ति नशे के हालत में था, जिसके कारण वो रास्ते के लोगों के साथ और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। इसी बात को बस्ती पुलिस ने उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए भी कहा। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये वीडियो मूल तौर पर 2 साल पुराना है और इसके साथ मोटर व्हीकल एक्ट का कोई भी संबंध नहीं है। अगर इस वीडियो को अच्छे से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये घटना सर्दी के समय का है, ना ही इस समय का। इसके पश्चात हमें कई न्यूज़पेपर भी मिले, जिसने इस घटना को कवर करते हुए यही कहा है कि घटना मूल तौर पर शांति भंग होने के कारण हुआ था, ना कि किसी मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट के चलते। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि एक पुराने वीडियो को आज मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट के चालान कटने के संदर्भ में गलत तरीके से सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसे वीडियोज़ को शेयर करने से पहले एक बार सच्चाई जान लें। और अधिक फेक न्यूज़ की सच्चाई जानने के लिए हमारे वेबसाइट factprecenter.com को विजिट कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।